Hello everyone, I am Mrs. Mohini Bhalke and I heartily welcome you to all in our class which is Social Success Point. Dear students, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट विच नेम इज इंडिया साइज एंड लोकेशन। अच्छा, आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि एक इंडियन होने के नाते हम लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कंफ्यूज? ओके, ज्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी एटलीस्ट एक इंडियन होने के नाते हमें हमारी कंट्री के बारे में नॉलेज बिल्कुल होना ही चाहिए। ओनली ऑन दिस पर्पस हम लोग इस चैप्टर को डिवाइड करेंगे फोर टॉपिक्स में। ओके, द फर्स्ट इज लोकेशन ऑफ द कंट्री, सेकेंड साइज, थर्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड, एंड फोर्थ इंडिया एंड इट्स नेबर। लोकेशन ऑफ द कंट्री में हम हमारी कंट्री की लैटिट्यूडिनल वैल्यू एंड लॉन्गिट्यूडिनल वैल्यू के बारे में जानेंगे। ओके, अब आपके माइंड में फिर क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटिट्यूडिनल एंड लॉन्गिट्यूडिनल। तो आई थिंक इन क्लास 6 यू ऑल हैव स्टडीड, बट नो नीड टू वरी अबाउट। वंस अगेन आई विल रिपीट कि लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। आप सभी ने ग्लोब तो देखा ही होगा, ठीक है। ऑन द ग्लोब ऑल द पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। ओके, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑल द पैरेलल सर्कल फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, ठीक है। ग्लोब पर जो सारे पैरेलल सर्कल्स होते हैं जो इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं उसे हम कहते हैं लैटिट्यूड, एंड लॉन्गिट्यूड मींस ऑल द रेफरेंस रनिंग लाइन। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑल द रेफरेंस रनिंग लाइंस फ्रॉम पोल टू पोल, ठीक है। ग्लोब पर आप लोगों ने रनिंग लाइन देखी होगी जो एक पोल को दूसरे पोल से कनेक्ट करती है, जिसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, लोकेशन ऑफ द कंट्री में हम लोग लैटिट्यूडिनल एंड लॉन्गिट्यूडिनल वैल्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। और लैटिट्यूडिनल और लॉन्गिट्यूडिनल वैल्यू किसकी? ऑफकोर्स हमारी कंट्री की। एंड इन द साइज ऑफ द कंट्री हम लोग टोटल ज्योग्राफिकल एरियाज के बारे में बात करेंगे। ओके, एंड इन थर्ड टॉपिक इंडिया एंड द वर्ल्ड, यहाँ हम देखेंगे कि हमारी कंट्री का पूरे विश्व के साथ क्या रिलेशन है। ओके, एंड एट द लास्ट टॉपिक इंडिया एंड इट्स नेबर, इस टॉपिक में हम हमारी नेबर कंट्रीज के बारे में जानेंगे। ओके, सो दिस चैप्टर इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द स्टडी। सो माई डियर स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9 ज्योग्राफी, इंडिया साइज एंड लोकेशन। माई डियर स्टूडेंट, इंडिया इज वन ऑफ द एंसेंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, मीन्स भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। और ड्यूरिंग द लास्ट 5 decades, मतलब कि पिछले 5 दशकों में भारत ने कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण क्षेत्र में काफी प्रोग्रेस हासिल की है। इंडिया का वर्ल्ड हिस्ट्री में भी काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेट्स हैव अ लुक ऑन द लोकेशन ऑफ इंडिया। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी द लोकेशन ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड। ओके, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, मीन्स हमारा देश एक विशाल कंट्री है, एक विशाल देश है, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। इफ वी टॉक अपॉन लोकेशन ऑफ आवर कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड्स, तो ये 8 degrees 4 minutes north से 37 degrees 6 minutes north तक फैला हुआ है। एंड इफ यू विल टॉक अपॉन द लोकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, तो इंडिया 68 degrees 7 minutes east से 97 degrees 25 minutes east तक फैला हुआ है। एंड वन इम्पोर्टेंट लेटिट्यूड विच नेम इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, विच लेटिट्यूडिनल वैल्यू इज 23 degrees 30 minutes, मतलब कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये एक इम्पोर्टेंट लेटिट्यूड होता है जिसकी वैल्यू होती है 23 degrees 30 minutes, जो कि हमारी कंट्री को ऑलमोस्ट 2 equal parts, मतलब 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। इंडिया की मेनलैंड की अगर बात की जाए तो इसके साउथ ईस्ट, ओके, साउथ ईस्ट साइड बे ऑफ बंगाल एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सिचुएटेड है। वहीं अगर इंडिया के साउथ वेस्ट साइड की बात की जाए तो वहां लक्षद्वीप आइलैंड एंड अरेबियन सी सिचुएटेड है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम दिस मैप। दिस इज द मैप ऑफ वर्ल्ड, ये वर्ल्ड मैप है, एंड वी कैन सी यहाँ पर 4 directions पूरी है। अपर साइड नॉर्थ डायरेक्शन, डाउन साइड साउथ, एंड दिस साइड ईस्टर्न पार्ट, एंड दिस साइड वेस्टर्न पार्ट।
अच्छा, वन मोर थिंग. फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर आई ऑलरेडी एक्सप्लेन अबाउट लैटिट्यूड एंड longitude. So once again I want to explain what is latitude and what is longitude. You can see this is the map. Okay, so this imaginary line is known as equator. Okay, जो कि 0 degree पर situated होता है. Okay, in all the parallel circle, ये circle आप देख सकते हैं, parallel circle from equator to pole, है ना. Latitude, lati मतलब आड़ी line. Okay, all the parallel circle from equator to pole are called latitudes. ठीक है, and all the reference running line from pole to pole, ये pole से लेकर down मतलब up से down, इस pole पर जो reference lines है, these are longitudes. Okay, and one more thing, equator जो होता है ये 2 parts में हमारी earth को divide करता है. The uppermost part is known as northern एंड डाउन साइड सदर्न. इन वन रेफरेंस रनिंग लाइन फ्रॉम पोल टू पोल, ये होता है हमारा प्राइम मेरिडियन. ओके, दिस प्राइम मेरिडियन अगेन डिवाइड आर अर्थ इंटू 2 equal halves. ओके, दिस पार्ट इज ईस्टर्न पार्ट एंड दिस इज वेस्टर्न पार्ट. ओके, नाउ इफ यू विल टॉक अबाउट द लोकेशन ऑफ आर कंट्री, तो हमारी कंट्री की लोकेशन है नदर्न ईस्टर्न पार्ट. ओके, समझ में आया, हमारी कंट्री की जो लोकेशन है वो है नदर्न ईस्टर्न पार्ट. दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज साइज ऑफ आर कंट्री. अगर हम हमारी कंट्री की साइज की बात करें, मींस इंडिया का जो टोटल एरिया होता है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. ओके, इंडिया का जो टोटल एरिया होता है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. इंडिया का जो टोटल एरिया होता है वो वर्ल्ड के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 2.4% होता है. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, इंडिया का टोटल एरिया वर्ल्ड के पूरे ज्योग्राफिकल एरिया का 2.4% होता है. वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि जो हमारी कंट्री होती है वो पूरे वर्ल्ड की 7th largest कंट्री में से एक है. ओके, हमारी कंट्री मीन्स इंडिया वर्ल्ड की 7th largest कंट्री है. ओके, मीन्स वी कैन सी हियर 7th largest कंट्री है ना ऑन दिस ग्राफ. द फर्स्ट इज रशिया, इट इज द 1st largest कंट्री. सेकेंड कैनेडा, 3rd USA, 4th China, 5th Brazil, 6th Australia एंड 7th India. नाउ इट इज क्लियर कि हमारी जो कंट्री है इंडिया वो वर्ल्ड की 7th largest कंट्री है. ओके, नाउ अगर हम लोग बात करें हमारे इंडिया के लैंड बाउंड्रीज की. ओके, तो हमारी इंडिया की टोटल लैंड बाउंड्रीज है 15,200 किलोमीटर. ओके, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, हमारी इंडिया की लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर. वहीं अगर हम लोग टोटल लेंथ देखें किसकी, कोस्ट लाइन की. ओके, कोस्ट लाइन किसकी, मेन लैंड की. जो हमारी इंडिया का जो मेन लैंड है उसकी कोस्ट लाइन मीन्स समुद्री तट. अगर हम इसकी बात करें अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप को इंक्लूड करने के बाद टोटल कोस्ट लाइन लेंथ होती है 7,516.6 किलोमीटर. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर हम हमारी कंट्री की लैंड बाउंड्री देखें तो टोटल लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर, और वहीं अगर हम मेनलैंड की कोस्ट लाइन की बात करें तो टोटल होती है 7,516.6 किलोमीटर. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम लोगों ने बात की है लोकेशन एंड साइज ऑफ इंडिया, और फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज टू टॉपिक्स हम इस मैप को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे. ओके, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया. अगर हम हमारी कंट्री की बात करें तो कंट्री का पूरा टोटल एरिया जो है वो होता है 3.28 स्क्वायर किलोमीटर. ओके, अगर हम देखते हैं हमारी कंट्री का लैटिट्यूडिनल वैल्यूज, ओके, तो हमारी कंट्री टोटल 8 degree 4 से लेकर 37 degree 6 के बीच सिचुएटेड है. ओके, अगर वहीं हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूड तो हमारी कंट्री 68 degree 7 ईस्ट से 97 degree 25 ईस्ट
के बीच सिचुएटेड है। ओके, वहीं अगर हम बात करें हमारी कंट्री के टोटल एक्सटेंशन की फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू विल टॉक अबाउट नॉर्थ टू साउथ मीन्स कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अगर हम हमारी कंट्री के एक्सटेंशन की बात करें तो टोटल एक्सटेंशन होता है 3,214 किलोमीटर। ओके, द कंट्री इंडिया कहां से कहां तक, नॉर्थ से लेकर साउथ तक मीन्स कश्मीर से कन्याकुमारी से लेकर कन्याकुमारी तक 3,214 किलोमीटर तक एक्सटेंड है। और वहीं अगर हम बात करें वेस्ट टू ईस्ट मतलब गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, तो गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हमारी कंट्री का एक्सटेंशन होता है 2,933 किलोमीटर। कश्मीर टू कन्याकुमारी मीन्स नॉर्थ टू साउथ टोटल एक्सटेंशन 3,214 किलोमीटर, एंड वेस्ट टू ईस्ट मतलब गुजरात से अरुणाचल प्रदेश द टोटल एक्सटेंशन ऑफ आर कंट्री इज 2,933 किलोमीटर। और फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर आई ऑलरेडी टोल्ड कि वन इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज वन इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड विच इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी कंट्री को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, दिस इज नॉर्दर्न पार्ट एंड दिस इज सदर्न पार्ट। अगर हम कंट्री के मेन लैंड की बात करें तो साउथ ईस्ट दिस इज सदर्न ईस्टर्न पार्ट, साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल एंड अंडमान एंड निकोबार सिचुएटेड है। वहीं अगर हम बात करें साउथ वेस्ट साइड तो साउथ वेस्ट साइड लक्षद्वीप आइलैंड एंड अरेबियन सी सिचुएटेड है। और अगर हम कंट्री के नॉर्दर्न साइड देखते हैं, नॉर्दर्न साइड नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड, तो वी मे गेट हियर फोल्ड माउंटेन। ओके, हमारी कंट्री के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट साइड नॉर्थ वी ईस्ट साइड, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, हमारी कंट्री के नॉर्थ पार्ट में नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट पार्ट में यंग फोल्ड माउंटेन सिचुएटेड होते हैं। एंड इफ यू विल टॉक अबाउट सदर्न साइड, तो सदर्न साइड हमारी कंट्री में एक है ओशन जिसका नाम होता है इंडियन ओशन। एंड मोर इम्पोर्टेंट लॉन्गिट्यूड यू मे हैव सीन हियर दैट इज स्टैंडर्ड मेरिडियन। ओके, इसकी लॉन्गिट्यूडिनल वैल्यू होती है 82°30' north। ओके, स्टैंडर्ड मेरिडियन जो कि एक इम्पोर्टेंट लॉन्गिट्यूड होता है जिसकी लॉन्गिट्यूड वैल्यू होती है 82°30' north। ओके, इसे इम्पोर्टेंट लॉन्गिट्यूड क्यों कहा जाता है, एक्चुअली फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश अगर हम लोग लोकल टाइम की बात करें तो लोकल टाइम हमारा वेस्ट से लेकर ईस्ट तक टोटल 2 आवर्स का डिफरेंस होता है। ओके, अगर हम लोग लोकल टाइम को फॉलो करें मीन्स अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम होगा, तो बस इसी अलग अलग टाइम को फॉलो करने से बचने के लिए सारे स्टेट्स जो हैं स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करते हैं। स्टैंडर्ड टाइम मीन्स जो स्टैंडर्ड मेरिडियन पर जिस समय जो टाइम होता है सारे स्टेट्स उसी टाइम को फॉलो करते हैं। ओके, तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द लॉन्गिट्यूडिनल वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन होती है 82°30' north एंड विच इज कमिंग फ्रॉम मीन्स जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये यूपी के मिर्जापुर से पास हो रहा है। ओके, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन, मिर्जापुर इन यूपी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने बात की लोकेशन ऑफ इंडिया एंड दी साइज ऑफ इंडिया पर, एंड इन आर नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बात करेंगे रिमेनिंग टू टॉपिक्स पर, इंडिया एंड दी वर्ल्ड एट दी लास्ट इंडियाज नेबर्स। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।